दोस्तों आज 8 फरवरी 2023 को सिम्फनी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाय बैक की भी अप्रूवल दे दी है मैं आपको इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट की हाइलाइट्स दे दूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैंतीस का ग्रोथ हुआ है एबिट्टा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अड़तालीस का ग्रोथ हुआ है और पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चौरासी का ग्रोथ हुआ है तो मुझे क्वार्टर थ्री का रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बायबैक की भी अप्रूवल दे दी है और इस बायबैक में कंपनी 10 लाख इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी और ये 10 लाख इक्विटी शेयर्स इस कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर का 1.43 परसेंट है इस बायबैक का प्राइस दो हज़ार पर इक्विटी शेयर रखा गया है और अगर हम लोग इस बायबैक के प्राइस को इस शेयर के आज का क्लोजिंग प्राइस जो एक है इससे कंपेयर करें तो अभी यह बायबैक इक्यानवे के प्रीमियम पर है और अगर आपके शेयर्स की बायबैक की जाती है तो आपको पर इक्विटी शेयर नौ सौ का फायदा हो सकता है अगर हम लोग इसे आज के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें तो इस बायबैक का साइज दो करोड़ रुपये है और ये दो करोड़ रुपये इस कंपनी के 31 मार्च 2022 के ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल पेडअप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 24.76 परसेंट है और कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल पेडअप शेयर एंड फ्री रिजर्व का 24.69 परसेंट है कंपनी ये बायबैक प्रोपोर्शनेट बेसिस पर टेंडर ऑफर रूट से कर रही है तो आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने शेयर्स को टेंडर करने होंगे और दोस्तों इस बायबैक में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बायक कमेटी भी कंस्टिट्यूट कर दी है और अब यही बाई कमेटी इस बाय से रिलेटेड सारे डिसीजन लेगी कंपनी को अभी इस बायबैक की अप्रूवल शेयर होल्डर से लेनी बाकी है और इसकी अप्रूवल कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लेगी कंपनी ने अभी इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट और टाइमलाइन को अनाउंस नहीं किया है ये जैसे अनाउंस होंगे मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद